गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि इस बुक की बहुत डिमांड आ रही थी कि इसका लेक्चर आप सबको चाहिए, तो उसका लेक्चर मैं आपके लिए लेके आई हूँ। जूलॉजी एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसका फर्स्ट लेक्चर में हम आज पढ़ने वाले हैं, हम आज डिस्कस करने वाले हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मेन डिफरेंसेस क्या हैं वो आज हम देखेंगे और इनका डायग्राम समझेंगे। तो सबसे पहला बात, सेल क्या है? सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इट इज़ केपेबल ऑफ लीडिंग एन इंडिपेंडेंट लाइफ, राइट? रॉबर्ट हुक वो थे जिन्होंने सबसे पहले सेल को एग्जामिन किया था अंडर अ पीस ऑफ कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप। ही यूज द टर्म सेल इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया। ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सेल्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अब हम डिफरेंस देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले इसके हम एग्जांपल में आ जाते हैं। एग्जांपल है इसका बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, और माइकोप्लाज्मा दैट इज पीपीएलओ। एल्गी, प्रोटोस्टेंस, मेटाजोन्स, प्लांट्स, ये आते हैं आपके यूकैरियोट्स के अंदर। यूजुअली जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका जो सेल का साइज होता है वो स्मॉल होता है, जबकि यूकैरियोट्स में सेल साइज और वॉल्यूम डिपेंड करता है अपॉन दी एक्टिविटीज़, किस टाइप की एक्टिविटी वो सेल परफॉर्म कर रहा है। प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ नॉन सेलुलोसिक मटीरियल, इसमें म्यूरामिक एसिड होता है, जबकि यूकैरियोट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोसिक होती है। प्रोकैरियोट्स में म्यूकोपॉलीसेक्राइड कैप्सूल इज प्रेजेंट इन मेनी सेल्स, यूकैरियोट्स में कैप्सूल एब्सेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड्स होते हैं इसमें टू फॉर्म मीजोसोम्स, जबकि मीजोसोम्स यूकैरियोट्स में एकदम एब्सेंट होते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। यहाँ पर एक क्रोमेटिन नेटवर्क होता है जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है साइटोप्लाज्म के। वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, यही इसका मेन डिफरेंस है। मोस्टली प्रोकैरियोट्स हैव मल्टीपल न्यूक्लियोइड्स, जबकि यूकैरियोट्स में मोनोन्यूक्लियेट कंडीशन इज मोर कॉमन। डीएनए इसमें सर्कुलर होता है, नेकेड होता है, जबकि यूकैरियोट्स में डीएनए इज लीनियर एंड कवर्ड बाय हिस्टोन प्रोटीन। यूजुअली पॉलीसिस्टोनिक डीएनए प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक डीएनए इज कॉमन। ओनली वन काइंड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, whereas in eukaryotes three kind of RNA polymerases, rRNA, mRNA and tRNA is present. Both transcription and translation occurs in cytoplasm. Transcription and translation दोनों processes cytoplasm में ही होती हैं, जबकि eukaryotes में transcription occurs in nucleus and translation occurs in cytoplasm. Generally extra nuclear chromosome present होते हैं either in the form of plasmid or episome, जबकि इसमें ऐसा एब्सेंट होता है। बहुत ही मेन और बढ़िया डिफरेंस, राइबोसोम 70S दैट इज 50S प्लस 30S और यूकैरियोट्स में इट इज 80S। नेक्स्ट, प्रोटीन सिंथेसिस इज इनिबिटेड बाय क्लोरमफेनिकॉल, जबकि यूकैरियोट्स में इट इज इनिबिटेड बाय साइक्लोहेक्सामाइड। साइटोप्लाज्म लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, सारी ऑर्गेनलीज इसमें प्रेजेंट होती हैं यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में फ्लैजिला अगर प्रेजेंट होगा इट इज़ मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन, इसमें सीलिया और शीलिया, फ्लैजिला और सीलिया शो करेंगे कैरेक्टरिस्टिक 9+2 अरेंजमेंट की, एंड दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन। प्रोकैरियोट्स में माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन और मायोसिन एब्सेंट होता है। माइक्रोफिलामेंट्स में एक्टिन मायोसिन आर एब्सेंट, व्हेयरएज यूकैरियोट्स में माइक्रोफिलामेंट्स आर प्रेजेंट। SAF vacuoles are absent, instead they have gas vacuoles. True SAF vacuoles are common in plant cells. Cytoplasm does not show streaming movement in prokaryotes, जबकि eukaryotes में streaming movement या cyclosis एक बहुत ही common characteristic है। Respiratory enzymes are associated with plasma membrane and mesosomes. They are present in cytoplasm and mitochondria. Cardiolipin एक lipid होता है जो कि prokaryotes में present होता है।
whereas it is absent in eukaryotes. Endo and exocytosis is absent, इसमें present. They divide by amitosis or simple fission, whereas in eukaryotes they divide by mitosis and meiosis. Prokaryotes में centriole is absent. Eukaryotes में centriole is present in animal cell and absent in plant cell. Prokaryotes में कोई spindle formation occur नहीं होती है, इसमें spindle formation होती है. ये आपका well labeled डायग्राम है prokaryote सेल का, आप बहुत अच्छे से इसको क्लियरली देख सकते हैं. ये आपका डायग्राम है यूकैरियोटिक सेल्स का. थैंक यू. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो. प्लीज़ डू इट. थैंक यू.